हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। 3 जून यानी कि आज के दिन 6 प्लैनेट एक साथ अलाइन हो रहे हैं, जुपिटर, मरकुरी, यूरेनस, मार्स, नेपच्यून और सैटर्न। तो इसका कहीं ना कहीं असर हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में और साथ में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो हमारा रिलेशन है तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी होने वाली है। जब भी ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे आप अपनी लाइफ में खुद देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ट्विस्ट आ सकता है आपकी लाइफ में कोई बड़ा सा, यानी कि आपको वो विश्वास भी नहीं रहेगा, कहीं से भी ऐसी न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 प्लैनेट एक साथ अलाइन हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? गुरु, यानी कि आप अपनी लाइफ के खुद गुरु बनने वाले हैं। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है या फिर खुद आप बहुत सारी चीज़ों को सर्च करने वाले हैं। एबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है और ये चीज़ ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होगी, आपको एबंडेंस मिल रहा है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, नहीं, वहाँ पर भी वो चीज़ होगी जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को सर्च करेंगे क्योंकि उनको आंसर मिल नहीं रहा है कि मेरे साथ चीज़ें क्या हो रही है। तो वो सर्च करेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्स उनको बहुत सारा साइन देंगे, बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी। और अभी तक अगर कार्मिक उनको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। वो अपने लाइफ के खुद गुरु बनने वाले हैं, अपनी मेहनत से बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंस भी दिख रहा है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी अबेंडेंस अगर रुक रहा था तो वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है और बहुत सारी नॉलेज आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर आप लोग बात करते हैं तो आप उनके नेचर में भी देख सकते हैं कि वो खुद आपको गाइड करेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें ना आपको बताएंगे जो आपको खुद पता नहीं होगी। दूसरा प्लैनेट मरकुरी यानी कि कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ना अगर जो डीएम और डीएफ सेपरेशन में हैं बहुत टाइम से, तो उन लोग अब कांटेक्ट में आने वाले हैं, उनका कम्युनिकेशन होने वाला है और उनका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है, ओपन हो रहा है बहुत अच्छे से, दोनों का, डीएम और डीएफ दोनों का। तो अपनी फीलिंग्स को वो बताएंगे कि क्या फील करते हैं। अभी क्या होते आ रहा है कि डीएफ ना कहीं समझ गई है कि मुझे इस जर्नी में ना अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं है, दबाते रहना है। बट ना ये गलत चीज़ है। अगर आपके डीएम आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया है कि वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, मतलब कार्मिक भी रिलीज हो गए हैं और डीएम खुद बोल रहे हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो वहाँ पे ना वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबाती हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर वो खुद पूछ रहे हैं तो आपको बताना भी ज़रूरी है, वरना उनको क्या लगेगा, मैं ही सब कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरी डीएम जो है मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी एनर्जी वहाँ पर दे दो। पहले आपको देखना है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। वो सामने से आके आपको हर एक बात बता रहे हैं, शादी के लिए भी बोल रहे हैं, घर पे भी बात कर रहे हैं, तभी आपको अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अभी देखने के लिए मिल सकता है कि डीएम और डीएफ दोनों अपनी फीलिंग्स को बताएंगे कि क्या फील करते हैं, बहुत टाइम से अगर बात नहीं किए हैं तो कैसा फील करते थे। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है क्योंकि दोनों का थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है। और कहीं पर भी अगर आप दोनों स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, वो भी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, डीएम को अगर शादी नहीं करनी है थर्ड पार्टी से, तो वहाँ पे वो भी स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है या फिर मुझे अपनी डीएम से शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डीएम की एनर्जी में। तीसरा प्लैनेट जो है वो है यूरेनस, चेंज। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई ट्विस्ट, जैसे कि मैंने बताया अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा। और ये चीज़ें ना डीएम की लाइफ में भी हो रही है, बहुत चेंज हो रहे हैं, उनकी डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, या आप देख सकते हैं उनका हर एक चक्रा बहुत अच्छे से अभी हील हो रहा है। अपनी फीलिंग्स को अगर वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, फियर की एनर्जी में थे,
ईगो की एनर्जी में थे, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, वो सब कुछ अभी क्लियर हो रहा है। क्योंकि जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे जो प्लैनेट एक साथ आते हैं, अलाइन होते हैं, तो हमारे चक्रा भी अलाइन होते हैं। तो ये चीज़ें ना आप अपने डीएम साइट से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मास करेज मिल सकता है आप दोनों को, काम करने का अगर मन नहीं होता था किसी भी चीज़ में, लेकिन अब ये होगा, आप बहुत अच्छे से काम कर सकोगे, आपका ध्यान भी लगेगा, आपको कहीं ना कहीं करेज मिल रहा है कि मुझे करना ही करना है किसी भी तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती फील होगा कोई भी काम करने से, या फिर अंदर से आपको एक पुश मिलेगा कि मुझे अभी ये काम करना है। तो दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, अगर मन नहीं करना है तो आपको करना है, और अगर जल्दबाजी है तो पेशेंस में रहना है। किसी भी काम को जल्दबाजी में या उसको छोड़कर ऐसे तरीके से नहीं बैठना है कि वो काम हो जाएगा, वरना ये कहीं ना कहीं फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी जर्नी में। तो अगर आपको कोई ना कोई काम करने का मन कर रहा है तो पेशेंस में रह के उसको करना है, पहले उसको अच्छे से समझ लो कि वो काम आप अच्छे से कर पाओगे कि नहीं, वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, तभी वो काम करना है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको पुश मिल सकता है या फिर आप काम को बहुत ज़्यादा डिले करोगे, तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट नेपच्यून, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन की यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। जिन डीएफ ने बहुत अच्छे से वर्क कर लिया है 1-1.5 साल से, तो वहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन की अब अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, और आपकी अवेकनिंग प्रोसेस और भी स्पीड होने वाली है। बहुत सारी नॉलेज तो मिलने वाली है, साथ में ऐसे साइकिक पावर जो कि हिडन थे, अभी तक आपको पता नहीं चल रहा था, वो सब कुछ अभी सरफेस पे आने वाले हैं। क्योंकि आपका जो लेवल है, यानी कि जो अगर आपका डायमेंशन 4th है, तो वहाँ पे आप 5th डायमेंशन में जाने वाले हो, अगर आप 5th डायमेंशन में हो तो 6th डायमेंशन में जाने वाले हो, मीन्स आपका लेवल अप होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, डीएम की अवेकनिंग और डीएफ और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करेंगी। और लास्ट हमारा सैटर्न, ये सब तो जानते ही हैं, जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो जो शनि होते हैं वो हमें कोई ना कोई कर्म पे करवाते हैं, किसी भी तरीके से करवाएंगे लेकिन करवाते ज़रूर हैं। और इसीलिए अभी स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी कर्म क्रिएट नहीं करना है। अगर कोई कर्मा आप लोग क्रिएट करते हो तो इंस्टेंट आपको वो कर्मा देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए भूल से भी कोई भी चीज़ आप लोगों को थॉट्स में या फिर एक्शन में नहीं लाना है। जैसे कि आप बैठे हो तो खुद ही आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, या फिर गिल्ट की एनर्जी, अगर ऐसा आ रहा है तो वो एक कर्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप दूसरों के लिए भी सोच रहे हो कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसको कर्मा मिलना चाहिए, तो वो भी एक कर्मा क्रिएट होगा। तो बिल्कुल भी ऐसे थॉट्स आपको नहीं लाना है जहाँ पे आप खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए कुछ बुरा सोचो, ठीक है। तो इस एनर्जी में जब भी आप आओगे तो सैटर्न की एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ कर्मा आपको पे करवाना पड़ेगा। और अभी आपको ध्यान रखना है इन्हीं बातों में कि जब आप अपनी जर्नी में इतने अच्छे से बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो कोई भी भूल के कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना है, और डिसिप्लिन में रह के सारी चीज़ों को करना है। तो यहाँ पे ये सारी एनर्जी आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, यहाँ पे डीएम के साथ भी चीज़ें होने वाली हैं, उनको भी कर्मा पे करना पड़ेगा। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं बहुत रुलाया है, तो उनके साइड से कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, उनको सबक सिखाया जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, दोनों साइड से ही कर्मा क्लियरिंग का फेज चल रहा है। तो 869 और 986 ऐसे नंबर आप देख सकते हैं, मीन्स डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ से ना कर्मा क्लियरिंग का फेज चल रहा है। तो ऐसी एनर्जी अभी रहने वाली है कुछ दिनों तक। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं तो कुछ और नहीं, ये 6 प्लैनेट जब अलाइन हुए हैं तो ये एनर्जी हमारे लाइफ में, हमारे जर्नी में भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और अभी बहुत सारे डीएफ को देजा वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। और नंबर में अगर मैं बोलूँ तो 11 11 22 22 444, ये 3 नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं,
या कभी भी दिख रहे हैं कहीं पर भी, तो आपको तुरंत विश मांगनी है, क्योंकि 1111 नंबर तो आप जानते हो और 2222 मास्टर नंबर होते हैं, लेकिन 444 नंबर ऐसा नंबर होता है जब हमें बताया जाता है कि आपके सराउंडिंग एंजल्स की टीम है, तो आपको उनसे विश मांगनी है। जो भी विश आपकी है, अगर आप परेशान हैं, कोई आप विश चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो तुरंत आपको विश मांगनी है। जैसे ही आपने नंबर देखा, अपने फ़ोन में देख रहे हैं, तो तुरंत अपनी आईज़ को क्लोज करिए और अपनी विश मांगिए। वो 1111 से 1112 तक नंबर नहीं होना है। ये है अभी करंट एनर्जी, जहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहे हैं, डिवाइन आपकी हेल्प भी कर रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रह के सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं डीएम और डीएफ दोनों के, तो यहाँ पे कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना है। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत कुछ देने वाला है ये जून मंथ आपको। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।